मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, गोरखपुर जनपद में 63 गांव आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हुए हैं और कुछ पूरी तरह महरूम है। प्रशासन को पहले ही हर एक गांव को नाव उपलब्ध करवाने, पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न, मेडिकल टीम को तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत घुसपैठ का बड़ी मुस्तैदी के साथ जवाब देकर उन्हें उनके मंसूबों पर पानी फेरा था। मैं इस दिवस की शुभकामनाएं सभी देशवासियों और जवानों को देता हूँ। उत्तर प्रदेश संवाददाता पांडे की रिपोर्ट। पहले ही हर एक गांव में नाव उपलब्ध कराने, सभी पीड़ित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, मेडिकल की टीम वहां पर स्थानीय स्तर पर तैनात करने और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई जारी है, इसके साथ साथ इस आपदा से भी हम लोग लड़ेंगे और इसीलिए आज मैं स्वयं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी मैं संत कबीर नगर और गोरखपुर का दौरा करके आया हूँ, भी देवरिया और बलिया की तरफ जा रहा हूँ, फिर वहीं से वाराणसी और आदि क्षेत्रों में भी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी, और COVID-19 के खिलाफ जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर क्या रणनीति बनाई गई है, इन सब की समीक्षा करने निकला हूँ।